बिलासपुर से देख रहे थे। और इस बीच मैं आपको बता दूं, बहुत वक्त से क्योंकि हम लगातार देश के अलग अलग भागों में जा रहे हैं, जरा हम कन्नौज का रुख करते हैं। हमारे साथ अरुण मां से लगातार मौजूद हैं। अरुण, बहुत देर बाद आपके पास आ रही हूं, माफी चाहूंगी, लेकिन कन्नौज में वोटर्स के बीच किस तरह का माहौल है? लाइनें तो मुझे बहुत लंबी दिखाई दे रही है आपके पीछे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये लाइन दिखाऊंगा, महिलाओं की लाइन खास तौर से है, और ये काफ़ी लंबी लाइन है और काफ़ी अरसे से यहाँ पर महिलाएं लाइनों में खड़ी हैं। अपने घरों से आई हैं लगभग एक से डेढ़ घंटे पहले, घर का कामकाज निपटा के बच्चों के साथ, लेकिन ये लाइन जो है काफ़ी लंबी है और बहुत धीरे मतदान हो रहा है। उसकी वजह बताई जा रही है कि बूथ के अंदर जो है, जो बूथ महिलाओं के लिए बनाया गया है, उस पर एक एक करके ही महिलाएं अंदर जाती हैं। बाकी और भी बूथ हैं, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर इतनी बड़ी लाइन नहीं है, क्योंकि वो कई बूथ ऐसे हैं जहां पर जो है तमाम तबके के, तमाम जो क्षेत्र के हैं मतदाता वो आ रहे हैं, लेकिन इस बूथ पर चूँकि स्थानीय मतदाता आ रहे हैं महिलाएँ काफ़ी संख्या में। आपको दिखती है कहीं नाराजगी? मुझे तो नहीं दिखती। तो आपको लेकिन आना पड़ा सर ये सारा इंटरव्यू करने के लिए? मैं तो 2014 में भी आया था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ओवरऑल जो वोटिंग चल रही है अब आज जो फोर्थ फेज, बहुत बहुत अच्छी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी। तो जनरल वीके सिंह को हमने सुना गुरदासपुर में, मोहित उनका इंटरव्यू लेते हुए। जनरल वीके सिंह जो खास तौर पर पहुंचे सनी देओल के लिए, वहां पर बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बना